आज हमारा संदेश यही है कि स्वामी विवेकानंद जी एक संत थे और शिक्षा कूट कूट कर भरी थी, राष्ट्रीय भावना से वो ओतप्रोत थे और वो विदेश में शिकागो तक, अमेरिका तक गए थे, वहाँ की धर्म संसद को संबोधित किया था और इंडिया पहली बार जब वहाँ से लौटे थे तो यहाँ पहुँचने पर इंडिया की ज़मीन पर वो लौटने लगे, बालू में ज़मीन पर एकदम। इस तरह की भक्ति भावना देशवासियों के अंदर हो और हम लोग कर्मठता के साथ अपने अपने पथ पर अग्रसर रहें। सबसे पहले बार एसोसिएशन कादीपुर की तरफ से आपके चैनल जनता कॉर्नर को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अपना मुद्दा क्षेत्रीय जो भी ज्वलंत मुद्दा है उसको उठाते हैं। अभी हमारे तहसील का भी एक मुद्दा था और जिसमें खतौनी नहीं निकलता था, आपके चैनल के द्वारा उस मुद्दे को उठाया गया, समस्या का समाधान हुआ और हमारे बगल में हमारे पितातुल्य सीनियर अधिवक्ता को बहुत बहुत आभार धन्यवाद, क्योंकि हमारे साथ है जनता कॉर्नर पर भी हैं। और स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है, उनका लक्ष्य था उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो, उनका एक सूत्र था, इसी सूत्र पर हम युवा और किसान, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में वो अपने आप पढ़ाई करे, जो भी छात्र हैं और जो सरहद पे सीमा पे इस समय लगे हुए हैं वो भी अपने काम में लगें, और यही सब समाज के सभी वर्ग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, सभी को कर्म करना चाहिए। उनका भी एक स्लोगन भी है, उत्तिष्ठति जागृत प्राप्ति वारान बोधयति। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय के बारे में हम बताना चाहेंगे कि 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्र के नाम से जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी वकालत करते थे और काफ़ी गरीबी में जीवन पला बड़ा होने के नाते स्वामी जी ने अपना विवाह नहीं किया, जबकि उनके धनवान लोगों ने भी, कन्याओं ने भी संपर्क किया विवाह के लिए, फिर भी वो शादी के लिए तैयार नहीं हुए और अध्यात्म की तरफ उनका रुचि हुई और अध्यात्म की तरफ इतनी पराकाष्ठा पर गए कि आज हम लोग उनको अपने आदर्श के रूप में मानते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जीवन को अध्यात्म की तरफ, उनके दिए हुए जो व्याख्यान थे उनका अनुसरण करते हुए हम उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और अपने लोगों, अपने बार एसोसिएशन के सदस्यों को भी उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद भाई साहब। स्वामी जी शुरू में विज्ञान के विद्यार्थी थे, स्नातक के बीएससी कर रहे थे। जब इनकी उत्सुकता ये हुई कि दक्षिणेश्वर में कोई एक संत है जो कि काली से साक्षात्कार करते हैं, तो ये दक्षिणेश्वर गए और इनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले। तो स्वामी जी से इनका पहला प्रश्न था, क्योंकि विज्ञान के छात्र थे, जिज्ञासु थे, तो इन्होंने पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ईश्वर को ऐसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें देख रहा हूँ। तो कहा कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? कहा बिल्कुल दिखा सकता हूँ। और ये कहते हुए रामकृष्ण ने इनके हाथ पे, इनके सिर पे ऐसे हाथ फेरा और ये समाधि में चले गए। और 3 दिन तक बताते हैं कि ये उस मतलब जागृत समाधि में रहे, इनको सब में ब्रह्म दर्शन होने लगा। 3 दिन बाद इनकी समाधि टूटी और इन्होंने वहीं से आध्यात्म का रुख किया और भारत के पहले ऐसे भाग्यशाली पुरुष रहे जिनको शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में आमंत्रित किया गया और वहाँ पे इनको बोलने के लिए 1 मिनट का समय दिया गया कि भारत भाई हिंदू धर्म के बारे में तब कोई इस तरह की धारणा विश्व में थी नहीं, ये मदारियों का धर्म माना जाता था, देश माना जाता था कि यहाँ तो तमाशा दिखाने वाले मदारी रहते हैं। लेकिन जब ये बोलने वहाँ पे लगे तो इन्होंने सबसे ज़्यादा समय 15 मिनट तक लगभग वहाँ बोले, आधे घंटे तक, और वहाँ लोग स्तब्ध हो गए इनके वाणी के ओज को सुन करके। और यहाँ पे खेतड़ी के महाराज जब ये जाते थे तो इनका इनके अपने पालकी अपने कंधे से उठाते थे, उन्होंने ही इनको स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। स्वामी जी का जो सूत्र वाक्य था उन्होंने ही कहा सबसे पहले कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, उन्होंने ही कहा कि मुझे हिंदू होने पे गर्व है और अपना हिंदू धर्म ही सब धर्मों से श्रेष्ठ है और उत्तिष्ठ प्राप्त
उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, जो ये कठोपनिषद का श्लोक है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत सुरस धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवियो वदंती, इसको इन्होंने कहा था कि उठो मेरे देश के युवाओं, उठो और जागो और श्रेष्ठ को प्राप्त करो। उस समय युवा पीढ़ी के आइकान आदर्श स्वामी विवेकानंद तब भी थे और आज भी हैं। आज भी युवा पीढ़ी को इनसे प्रेरणा लेकर के इनके मार्ग पर चलना चाहिए। ये वास्तविक रूप से धर्मगुरु थे। इन्होंने किसी देवी देवता विशेष की साधना के लिए कभी जोर नहीं दिया। इन्होंने कहा कि अपने को जानो, अपने को ऊपर उठाओ और अपने में जो कुछ परिष्कार है वो करो। इस तरह से ये आज भी हमारे आदर्श हैं और इनके पदचिन्हों पर चलने के लिए सबको प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद।